केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। मामला हरियाणा के पलवल जिले का है, जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर 22 किसानों का पैसा दूसरों के खाते में भेजा जा रहा था। जांच में पता चला है कि ये पैसा बिहार झारखंड में रहने वाले लोगों के खाते में जा रहा था। इन लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए पलवल के किसानों के खातों के स्थान पर अपने बैंक अकाउंट को सम्मान निधि योजना से कनेक्ट करा लिया था। पलवल के किसानों को 5 से 6 महीने तक रकम नहीं मिली तो उन्होंने शिकायत की। जांच में पता चला कि रकम उनके नाम से हर महीने जारी हो रही थी, लेकिन जिन अकाउंट्स में वो जा रही थी वो उनके नहीं बल्कि बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं। आर्थिक अपराध शाखा की जांच के आधार पर कैंप थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक किसानों के फर्जी दस्तावेज बनाकर फर्जी लंबरदार व फर्जी पटवारी की मोहर बनवाकर किसानों का मुआवजा हड़पा गया है। जिन लोगों के नाम पर राशि जारी की गई है, ना तो उनके हस्ताक्षर और ना ही उनके अंगूठे का निशान है। बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर भी अलग अलग है। किसानों ने शंका जताई है कि इस मामले में स्थानीय नागरिक और कृषि विभाग के अधिकारी भी संलिप्त हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।